वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब मजे में होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो आपके मेकअप में से 5-6 स्टेप तो आसानी से स्किप कर देगा। सो एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके मेकअप को और ईजी करने वाला है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है जो बिगनर्स हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं बाय कर सकते। सो आज की वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलने वाली हैं। सो फॉर मेकअप बिगनर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो अभी हम लोग जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने एक काम करना है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन तो लाजमी प्रेस करना है, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों को जल्दी से नोटिफाई हो जाए। सो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि 5-6 स्टेप्स आपके मेकअप में से वो स्किप कर देगा, सो वो है जी ये वाला पैलेट। सो ये पैलेट है जो आप लोगों के मेकअप में 5-6 स्टेप आसानी से स्किप करवा देगा। ये एक आई शेडो पैलेट है, और मैंने अपने यहाँ शहर के एक लोकल मार्केट से बाय किया है, मॉल में से। और ये मैंने पैलेट, इसको स्वॉच भी नहीं किया था जब मैंने इसको बाय किया था, जस्ट मैंने इसको देखा, मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया, और ये मेरे बहुत काम आता है और इट्स वेरी यूज़फुल। सो इसके अंदर जो ख़जाना है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ख़जाना इसलिए बोल रही हूँ कि एक पैलेट आपके 5-6 स्टेप स्किप कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ा ख़जाना है। सो अभी चलते हैं और इसके जो 5-6 स्टेप मैंने आप लोगों से कहे हैं कि ये स्किप करता है, वो डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करें। सो फ्रेंड्स, ये मैंने पैलेट को ओपन कर दिया है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा पैलेट क्लिप्स दिखा देती हूँ। ये है जी वो पैलेट जो आप लोगों के 5-6 मेकअप के स्टेप्स जो है वो कम्प्लीटली स्किप करवा देगा। आपको कोई अलादा से प्रोडक्ट्स नहीं लेनी पड़ेंगी, कोई बड़े बड़े ब्रांड्स की छोटी छोटी प्रोडक्ट्स अगर ठीक है कि अपना लुक नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, बल्कि एक ही पैलेट से आप अपना बहुत ही खूबसूरत सा लुक जो है वो क्रिएट कर लेंगे। सो अभी जो मैं इसके स्टेप्स कह रही हूँ, 5-6 स्टेप्स, वो बता देती हूँ आपको डिटेल से कि ये आपके कौन कौन से स्टेप्स को स्किप कर सकता है। इसमें आपको मिलेंगे आई शेडो शेड्स, इसमें आपको मिलेंगे ब्लशिंग शेड्स, इसमें आपको मिलेंगे हाइलाइटिंग शेड्स, इसमें आपको मिलेंगे कंटूर शेड्स और आईब्रो शेड्स। सो ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के मेकअप के स्टेप्स से ये कम्प्लीटली क्लियर कर देगा। मीन्स कि एक ये पैलेट आपके पास होगा तो ये 5-6 स्टेप्स आप इजीली जो है वो क्लियर कर लेंगे। सो अभी मैं आप लोगों को ये जो सारे स्टेप्स हैं इनके सारे स्वॉचेस भी दिखाती हूँ, और बताती हूँ कि ये वाला पैलेट पिगमेंटेड है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर इस पैलेट की पिगमेंटेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेटेड है, क्योंकि इसके जो स्वॉचेस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना, अभी मेरे फिंगर्स पे है मेहंदी लगी है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को जो है वो साइड पे यहाँ पर बाजू पे स्वॉच करके दिखाऊंगी कि कितने पिगमेंटेड ये शेड्स हैं, कितना पिगमेंटेड ये पैलेट है। सो ये बहुत ही यूज़फुल पैलेट है, और मैंने ये बात की थी शुरू में कि ये जो पैलेट है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो हाई ब्रांड प्रोडक्ट्स नहीं बाय कर सकते। ये क्यों कहा था मैंने, क्योंकि ये मैंने एक तो लोकल शॉप से बाय किया है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बाय किया है, बाय मैंने इसको सिर्फ 700 रुपीज़ में किया है। अगर मैं किसी ब्रांड से बाय करती, कोई अच्छा सा ब्रांड होता, मैं कहती जी हाई ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल रहेगा, लेकिन वहाँ पर मेरे कितने पैसे खर्च हो जाते, 4 से 5 हज़ार रुपया तो आराम से खर्च हो जाता, और ऊपर से अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो डिलीवरी चार्जेस अलादा से मिल जाएंगे। तो उन सारे झंझटों से बचने के लिए मैंने लोकल मार्केट से ये वाला पैलेट बाय किया, और मेरे मेकअप को मैंने आसान कर दिया। सो इसलिए मैंने कहा था कि हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट लाजमी नहीं है, आपको कोई भी एक अच्छा पैलेट बहुत ही अच्छा लुक दे सकता है।
सो अभी हम इसके स्वॉचेस जो है वो डिस्कस करते हैं आप लोगों को। मैं एक एक जो स्टेप मैंने कहा है कि क्लियर करेगा उसका अलग अलग से स्वॉच मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो हाइलाइटिंग शेड्स हैं वो बता देती हूँ कि आपको जो हाईलाइट कर देंगे, जो आप हाईलाइटर यूज़ करते हैं उनके जो शेड्स हैं वो मैं यहाँ से आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। सो ये आपको मिड में जो बड़े सर्कल नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये सारे जितने भी शेड्स हैं ये हाइलाइटिंग शेड्स हैं। लेकिन इस पैलेट की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किया है और मैंने स्वॉच करके नहीं देखा। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी है कि मैंने इसको स्वॉच करके नहीं लिया। अगर मैं स्वॉच करके लेती शायद मुझे अच्छा और अच्छा पैलेट मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो शिमरी शेड्स, ये जो हाइलाइटिंग शेड्स हैं ये सिर्फ ऊपर ऊपर से शिमरी हैं। ये बात मुझे इसकी बहुत बुरी लगी, लेकिन है बहुत अच्छी पैलेट। बस एक शेड की जो कंसिस्टेंसी है उसको देखते हुए हम पूरी पैलेट को बुरा नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर जो शिमरी शेड्स हैं, लेकिन अगर आप उनको अप्लाई करेंगे फिर भी ये आप लोगों को शिमरी लुक लाजमी देंगे। तो ये वाले जो हैं ये सारे के सारे जो हैं वो इसके शिमरी शेड्स हैं और इनके स्वॉचेज मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने सारे हाइलाइटर शेड्स जो हैं वो स्वॉच कर लिए हैं। ये देखिए सारे शेड्स हैं, आप इनकी पिगमेंटेशन चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे हाइलाइटर शेड्स हैं और बहुत ही मज़े की इनके अंदर शाइन है। सो इसी तरह से आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना पिगमेंटेड है इसका, जितना भी शेड है वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं और बहुत ही अच्छे से लुक क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने हाइलाइटर शेड्स जो हैं वो अभी स्टडी कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट जो मैं शेड्स आपको बताऊँगी वो होंगे जी हमारे ब्लश ऑन शेड्स। ब्लश ऑन शेड्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं और आप लोगों को लाइट ब्लश चाहिए तो भी मिलेगा, डार्कर ब्लश चाहिए तो वो भी मिलेगा, पिंकिश चाहिए तो वो भी मिलेगा। तो भी ब्लश ऑन शेड्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब इसमें ये जो देखेंगे मरून, ऑरेंज, पिंक, ही पिंक, ये वाले सारे जितने भी शेड्स हैं ये ब्लश ऑन शेड्स में आ जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को जो है वो ब्लश ऑन शेड्स के स्वॉचेज दिखाऊंगी। ज़्यादातर आजकल ट्रेंड में वो थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लश भी चल रहा है, तो उसके लिए आप लोग ये देख सकते हो जो आई बेस के शेड्स हैं, जैसे कि ये लाइट क्रीम, लाइट पिंक, पीच शेड्स हैं, ये सारे के सारे भी आप लोग अपने ब्लश ऑन में अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं इन सब के स्वॉचेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं स्वॉचेस लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ इनको शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने सारे स्वॉचेस जो हैं वो ले लिए हैं, जितने भी हमारे पास ब्लश ऑन शेड्स हैं। ये देखें पिंक, लाइट पिंक, ब्राउन, रेड, ब्राउन, मैरून, ये सारे के सारे शेड्स हैं। और ये जो लास्ट पे टू शेड्स हैं लाइट लाइट से, ये आपको जो आई बेस शेड होते हैं वो हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं ब्लश ऑन में भी। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे ब्लश ऑन शेड्स हैं और यही हमारे लिपस्टिक शेड्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि आजकल मैट लिपस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आप अच्छा सा ग्लोज लगाएं पहले नीचे और फिर इनमें से कोई भी जो शेड है वो अगर आप अपने लिप्स से अप्लाई कर लेंगे तो आपकी लिपस्टिक भी कवर हो जाएगी। सो ये था जी हमारा सेकंड एंड थर्ड स्टेप जो ये पैलेट जो है वो कवर कर लेगी। अभी हम लोग जो है इस पैलेट में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि इसमें जो कंटोर शेड्स हैं वो कौन कौन से हैं, आईब्रो शेड कौन कौन से हैं। ये दोनों स्टेप्स जो है वो एक ही जैसे शेड्स के साथ कवर हो जाएंगे। तो वो वाले शेड्स मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उनके स्वॉचेस शेयर करूंगी। सो अभी मैं स्वॉचेस लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर। सो अभी मैंने जो है वो आईब्रोज और जो कंटोर के शेड्स हैं वो ले लिए हैं, उनके स्वॉचेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें ये सारे के सारे कंटोर एंड आईब्रो शेड्स के स्वॉचेस हैं और बहुत ही अच्छी सी इनके साथ कंटोरिंग हो जाएगी और इनके साथ जो है वो आईब्रोज बन जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से शेड्स हैं आप लोगों के आईब्रोज और कंटोर को कवर करने के लिए। तो ये सारे के सारे जो शेड्स हैं वो आपके आईब्रोज और जो कंटोर का स्टेप है वो क्लियर कर देंगे। बाकी बचते हैं जी आई शेडो शेड्स। तो आई शेडो तो नाम है इस पैलेट का। सो इस पैलेट में से आप जो भी
पिक करना चाहें आई शेडो के लिए शेड्स वो पिक कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ शेड्स के स्वाचेज करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाए कि आई शेडो भी इनके साथ बहुत ही अच्छा अप्लाई हो जाता है। तो भी मैं स्वाचेज लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आई शेडो के भी शेड्स ले लिए हैं। ये वाले जितने भी शेड्स हैं ये आप आई शेडो के शेड्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी शेड्स हैं लेकिन मैंने कुछ शेड्स के स्वाचेज जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ताकि आप लोग ये देख लें कि इनके भी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो अभी मेरे हाथ तो खुली गंदे हो चुके हैं लेकिन आई होप कि आप लोगों को इस पैलेट की सारी डिटेल जो है वो समझ आ गई होगी। सो ये वो पैलेट है जो आपके मेकअप को आसान से आसान तर कर सकती है। सो ये पैलेट आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। इस तरह की नहीं लेकिन इस टाइप की, इस किस्म की पैलेट जिसमें आपके 5-6 काम इजीली हो सके, 5-6 स्टेप्स इजीली सॉल्व हो सकें, ऐसी पैलेट आपके मेकअप कलेक्शन में लाजमी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है और आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आप लोगों को काफ़ी कुछ इस वीडियो से पता चल गया हो, आपको काफ़ी ट्रिक्स पता चल गई हो और एक पैलेट से आप कितना अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में आपको टिप्स मिल गई हो। इस मेकअप पैलेट को यूज़ करते हुए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक मेकअप ट्यूटोरियल भी अपलोड करूँगी, बहुत ही जल्द इसका मेकअप ट्यूटोरियल भी बनाएंगे, फिर आपको कम्प्लीटली इसके बारे में समझ आ जाएगी कि हाँ वाकई ही ये पैलेट हमारे इतने मेकअप स्टेप्स को कवर कर सकती है। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो, आज का जो इंफॉर्मेटिव लेसन, आज की इंफॉर्मेटिव पैलेट पसंद आई हो तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।